पूछते हैं कि हु इज़ मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह कौन है, तो मैं अंदर से कांपने लगता हूँ, शायद आज यहाँ सबके सामने मेरा जो है कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो आगे बढ़ के उन्होंने मेरा कंधा पकड़ा और मेरे हाथ मिला के मुझसे कहते हैं कि वेल डन माई बॉय, यू सेव माई पेशेंट, और सब लोग ने ताली बजाई। तो वो जीवन मेरे जीवन में वो एक जो पल था मेरे जीवन में वो बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था। आपका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश, आप रहे, फिर उत्तराखंड देवभूमि आप रहे, विदेश में काम किया, फिर आप जयपुर आए और जयपुर आप आके आपने बिजनेस किया, बढ़िया से बिजनेस आपका जो चल रहा है, पैसा आपके पास है, पावर भी आपके पास है, फिर राजनीति में आने का मानस कैसे बना आपका? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा रितेश। को दिन नहीं रात को रात नहीं समझा, मेहनत इतनी होती थी कई बार जब मैं तीन तीन दिन बिना सोए बिना खाए काम करने के बाद जब वापस घर की तरफ निकलता था ड्राइव करने के लिए अपनी गाड़ी को, तो जो कई बार ऐसा होता था कि रोड भी दो दिखाई देने लगती थी। ऐसा कहा जाता है कि धनबल के जरिए कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो वो जनता की समस्याएं जो है, जो गरीब व्यक्ति है उसकी तकलीफें उनको समझ नहीं पाता, इसलिए वो काम नहीं कर पाता लोगों के लिए। इस बात को आपके साथ जोड़ा जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो बिल्कुल सही है। लंदन में काम किया मैंने, फिर न्यूकासल अपॉन टाइन में काम किया, मिडिलसब्रा, लीड्स, बहुत सारी बेलफास्ट में काम किया मैंने, शेफील्ड में काम किया जहाँ से मैंने अपनी एमडी भी की है, स्पेन में रहा, सांता मारिया हॉस्पिटल है स्पेन में बार्सिलोना में, तो मैंने वहाँ पे काम किया, फिर मैं जापान गया नगोया। आपने कहा कि जनसेवा के लिए आप राजनीति में आए हैं और आपको एक बड़ा मंच मिलेगा जिससे आप लोगों की सेवा कर सकेंगे, लेकिन आपके विरोधी ऐसा कहते हैं कि अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए और पावर हथियाने के लिए सिर्फ वो राजनीति में आना चाहते हैं, सिर्फ मेन मकसद इनका यही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने ऐसी गरीबी भी देखी है कि जहाँ मेरे को दो वक्त की रोटियों की भी दिक्कत पड़ी। हम लोग जब छोटे थे तो पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा होता था कि जो है मेरे जो ये एल्बोस हैं, मेरे एल्बोस कट के खून निकलने लगता था इससे, क्योंकि हम लोग इसको रखे पढ़ते थे। और ऐसा भी समय मेरे जीवन में आया कि जब हमें सरकारी ब्रेड आती थी घर में हमारे, उस पर भी हमें जो है कई बार अपना जीवन यापन करना पड़ा। निम्न से पैदा होने वाले हर एक बच्चे की माता को 11,000 रुपये का चेक हम देते हैं, जो कि माँ के जो है भरण पोषण के लिए है, क्योंकि उसको शारीरिक दुर्बलता आ जाती है प्रसव के बाद। अब जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप टिकट की मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत नेता है जयपुर ग्रामीण में, तो आपको टिकट क्यों देगी भारतीय जनता पार्टी? सबसे पहली चीज़ तो लोकतंत्र की एक जो खूबसूरती है यह है कि मैं आपका दोस्त होने के बावजूद भी आपके विरोध में खड़ा हो सकता हूँ। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ और अच्छा कर पाऊँ, इसलिए मैं टिकट की मांग करता हूँ। आप ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से आप जुड़ रहे हैं और लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सांसद साहब हैं वर्तमान में, उनकी आंखों में वो लोग खटकने लगना शुरू हो जाते हैं जो उनके खिलाफ आके आपसे जुड़ रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो लोगों ने तो आपसे उम्मीद लगा ली है, तो आप क्या करेंगे? आप बागी होकर चुनाव लड़ेंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए? तो मोदी जी ने आज हमारे देश को उस जगह पहुंचा दिया जहां मेरी कल्पना से बाहर की चीज़ है। तो आज उन्होंने जो है लाखों करोड़ों अरबों लोगों को उन्होंने जो है लीड किया। आज हिंदुस्तान की एक छवि ऐसी बन गई कि जिस देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री तक को जाने के लिए वीज़ा नहीं मिला, वहाँ का प्रधानमंत्री हमें लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पे स्ट्रिप पे आता है। क्या आप पूर्ण रूप से ये मान के चले हम कि 2024 में जो चुनाव होने वाले उसमें आप भारतीय जनता पार्टी से या बागी होकर या किसी और पार्टी से आप चुनाव जरूर लड़ेंगे, माना जाए? चुनाव लड़ने का तो मैंने मानस बना लिया है। मैं मानता हूँ कि RTH एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि RTH के चलते कई सारे गरीब मरीजों को वो मूलभूत सेवा मिल पाएंगी, जिसके चलते शायद वो मरीज अस्पताल जाने के बाद भी ना बच पाता। आपका भाई, आपका बेटा और आपका जो दोस्त है वो कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा आपकी सेवा के लिए, क्योंकि ये सेवा का भाव ही है जो मुझे सात समुद्र पार से खींचकर आप तक लेके आया है। नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूँ आप सभी का द उड़ान साथ साथ में। आज की खास मुलाकात डॉक्टर पंकज सिंह जी के साथ, डायरेक्टर ऑफ निम्स यूनिवर्सिटी और कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन है निम्स हॉस्पिटल में, साथ ही न्यूज़ 24/7 के ऑनर भी हैं। और वर्तमान में अभी जो चुनाव आने वाले हैं 2024 में, तो उसमें लोकसभा चुनाव में सांसद की दावेदारी पेश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं, और अभी वर्तमान में जो इनका लोकसभा क्षेत्र है जयपुर ग्रामीण, वहाँ से तैयारी कर रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं, जनता के काम कर रहे हैं और पंकज फाउंडेशन के जरिए भी लोगों से जुड़ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत करता हूँ उड़ान सर। नमस्कार रितेश जी। सर, आप निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हैं और सर वर्तमान में आप चुनाव लड़ने में हैं, सबसे पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में रहे, उत्तराखंड में रहे, विदेश में भी आप रहे, तो सब कुछ एक शॉर्टली हम जानना चाहेंगे सर। बहुत छोटे परिवार में जन्म हुआ मेरा, उत्तर प्रदेश में मैं बचपन मेरा कटा और उसका काफ़ी एक जो हिस्सा है वो आज उत्तराखंड में आ गया है। बचपन से ही पढ़ाई की तरफ रुझान काफ़ी रहा, या पिताजी का अनुशासन कहिए या माँ के संस्कार कहिए, बचपन से मिले हमें। छोटे परिवार में पैदा होने के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान होते हैं, तो नुकसान ये रहे कि बहुत जो है एक लग्जरियस लाइफ कभी नहीं मिली, लेकिन फ़ायदे ये रहे कि संस्कार अच्छे मिले मुझे। तो बचपन से मैं छोटा था तो पिताजी के दबाव कहिए या अपना रुझान कहिए, उसकी वजह से पढ़ाई में मैं काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मेधावी रहा मैं बचपन से ही। और जब जो है
क्लास में कभी भी रैंक आई तो मैं हमेशा जो है ईश्वर के आशीर्वाद से मेरी हमेशा रैंक वन रही। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मैंने यूपी बोर्ड से किया है और उसमें भी मैंने जो है देश यूपी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था अपने टाइम पे। फिर मैंने ऑल इंडिया पीएमटी का एग्ज़ाम उस समय हुआ करता था, ये 1991 की बात है, तो ऑल इंडिया पीएमटी का एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में मैंने पूरे देश में मेरी सेकंड रैंक आई थी। तो उसके चलते मेरे को केजीएमसी जो कि किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज आज देश के सर्वोच्च जो है मेडिकल शिक्षण संस्थानों में जिसकी गिनती होती है उसमें मैंने एडमिशन लिया। 4.5-5 साल की मैंने पूरी पढ़ाई करी कंप्लीट, अपनी वहाँ पे इंटर्नशिप हुई मेरी और उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है स्नातकोत्तर जिसको शिक्षा कहते हैं वो मैंने आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज से करी जो कि काफ़ी पुराना एक रेनाउंड मेडिकल कॉलेज माना जाता है। ये 2001 की बात है जब मैंने अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करी हिंदुस्तान से और फिर मन में आया कि मैं न्यूरो सर्जरी मुझे करनी है। और जैसा कि मेरी सीनियर्स ने मुझे बताया, मुझे पता चला कि जो है यूके इंग्लैंड में न्यूरो सर्जरी की ट्रेनिंग बेस्ट होती है, तो मैंने अपना जो है एक निश्चय किया मैंने कि मन बनाया कि मैं इंग्लैंड जाऊंगा। अब नया देश था, नई जगह थी और जैसे कि मैंने कहा मैं हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ शुरू से, तो बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा इंग्लैंड जाने के बाद मुझे, लेकिन जैसे कहते हैं कि हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा और धीरे धीरे चलते चलते एक कदम एक बार में चलते हुए मैं धीरे धीरे मैंने इंग्लिश भी सीखी और काफ़ी जो है मुश्किल के सामना करने के बाद मैं मैंने अपनी न्यूरोसर्जिकल ट्रेनिंग में मुझे एंट्री मिली। और शुरुआत में जैसे कहते हैं कि जब इंग्लैंड में कोई जाता है हिंदुस्तानी आदमी तो उसको एक बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है, तो अभी भी अंग्रेज़ों के दिमाग में वो मानसिकता है और हमारे दिमाग में शायद कहीं ना कहीं कुछ हीन भावना भी आ सकती है। तो उसके चलते जो है कई बार मुझे जो है एक जातीय जो एक डिस्क्रिमिनेशन है जो एक जातीय जो मतभेद है उसका मुझे जो है सामना करना पड़ा वहाँ पर। हिंदुस्तानी होने के कई सारे फ़ायदे होते हैं लेकिन कई सारे नुकसान जैसे कि साथ में चलते हैं, तो मेरे को जो है जल्दी से न्यूरोसर्जिकल ट्रेनिंग में एंट्री नहीं मिली। तो मैंने अपना एडिनबरा से पहले मैंने अपनी MRCS कंप्लीट करी, कंप्लीट करने के बाद मैंने न्यूरोसर्जरी के लिए अप्लाई किया जल्दी से, जैसे कहा कि हिंदुस्तानियों को एंट्री देते नहीं है न्यूरोसर्जरी में यूके में, तो उसके चलते मैंने जो है काफ़ी मेहनत करी। एक साल तक मैंने बिना किसी पैसे के वहाँ काम किया जिसे ऑब्जर्वरशिप कहते हैं, एक वहाँ जगह है रॉमफोर्ड लंदन के पास में, तो वहाँ मैं रहा एक साल तक, काफ़ी मेहनत से काम किया। मेरे कंसल्टेंट्स जो थे वो मुझसे काफ़ी प्रभावित हुए और एक दिन का जो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके जीवन में कौन से ऐसे पड़ाव थे या कौन से ऐसे मोड़ थे जिससे आपका जीवन बदला, तो एक छोटी सी घटना रोचक घटना आपको मैं साझा करना चाहता हूँ रितेश जी, कि एक बार जो है मैं अपने जो हमारा वार्ड था उस वार्ड में मैं बैठा हुआ काम कर रहा था, शाम को 7 बजे की बात है और सभी लोग जो है वो 5 बजे चले जाते हैं यहाँ से, तो 7 बजे के आसपास यूजली जो है कोई आदमी रुकता नहीं है, तो सभी जो है सभी जो जो एक तरह डॉक्टर्स से चले गए थे घर। अचानक से मुझे आवाज़ आती है पीछे से कि एक जो हमारा मरीज़ था जो कि हमारे एक लीड क्लिनिशियन होते हैं क्लिनिकल डायरेक्टर होते हैं उनका पेशेंट था, वो भी न्यूरो सर्जन थे जो है वो उनका पेशेंट था, तो वो मिस्टर पोलक नाम था उनका, जोनाथन पोलक, तो उस पेशेंट ने अचानक से ग्रंटिंग की साउंड आई मेरे पास, तो मेरे को लगा शायद इसने जो है चोक कर रहा है पेशेंट ये, तो वो पेशेंट खाना खा रहा था, खाते खाते उसके जो है गले में कोई टुकड़ा फंस गया और मैं अचानक से मेरे अंदर से जो मेरा डॉक्टर जागा मैं उसको बचाने के लिए जब आगे बढ़ा तो मेरी जो नर्स थी उसने मुझे रोक दिया कि आपको अलाउड नहीं है मरीज को टच करना क्योंकि आप ऑब्जर्वरशिप में हैं और ये चीज़ें गलत है, आपको जो है इसकी सज़ा मिल सकती है। तो मैंने कहा कि सज़ा तो मैं बाद में भुगतूंगा, आज तो मेरा मरीज़ सज़ा भुगत जाएगा अगर मैं इसको नहीं बचाता हूँ। तो मैंने सारी चीज़ों की परवाह न करके उस मरीज़ को जो है एक हम लैरिंगोस्कोपी कहते हैं उसके माध्यम से मैंने उसके गले में जो एक मीट का टुकड़ा था उसको मैंने निकाल लिया और निकाल के मैंने उसको जो है सक्शन करके जो है क्लीन किया, तो मरीज़ एकदम से सही हो गया। और जो नर्स थी हमारी उसका नाम बेवरली थॉमस था, बैब थॉमस कहते थे उसको हम लोग, तो वो काफ़ी एक तरह से बड़ी रंगभेद की जो है शिकार थी दिमाग में उसके, हालांकि खुद वो अफ्रीको अरेबियन ब्लैक थी लेकिन उसके दिमाग में हिंदुस्तानियों के लिए मैं समझता हूँ काफ़ी नफरत भरी थी, तो उसके चलते उसने मेरी शिकायत जो है कंसल्टेंट से कर दी। शाम को लगभग 8:30 बजे फ्री होकर मैं घर अपने रूम पे पहुंचा, खाना खाया सो गया। अगले दिन मॉर्निंग में मुझे लगा कि शायद आज मेरा जो है यहाँ पे जो ट्रेनिंग या जो मेरा एक जो है ऑब्जर्वरशिप का लास्ट दिन लास्ट डे होगा, तो उधर राउंड के टाइम पे जब मैंने देखा सब मैं पीछे चल रहा था, उधर से जोनाथन पोलक जो थे लीड क्लिनिशियन आते हैं उधर से और सारी भीड़ उनको देख के काय की तरफ फट जाती है और वो पूछते हैं कि हु इज़ मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह कौन है? तो मैं अंदर से कांपने लगता हूँ शायद आज यहाँ सबके सामने मेरा जो है कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो आगे बढ़ के उन्होंने मेरा कंधा पकड़ा और मेरे हाथ मिला के मुझसे कहते हैं कि वेल डन माय बॉय, यू सेव्ड माय पेशेंट, और सब लोग ने ताली बजाई। तो वो जीवन मेरे जीवन में वो एक जो पल था मेरे जीवन में वो बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था और उसके चलते जो है मुझे न्यूरोसर्जिकल ट्रेनिंग में वहाँ एंट्री भी मिली जो कि अपने आप में एक बहुत दुर्लभ सी घटना मानी जाती है।
7 साल की ट्रेनिंग होती है यूके में न्यूरो सर्जरी की, और 7 साल की सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट करना हिंदुस्तानियों के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि पिरामिड सिस्टम काम करता है वहाँ पे। अगर 15 न्यूरो सर्जिकल रेजिडेंट एंटर करते हैं तो 7वें साल में सिर्फ 5 न्यूरो सर्जिकल रेजिडेंट ही बनेंगे, बाकी 10 को नॉकआउट कर दिया जाता है। तो 7 साल में बड़ा संघर्ष किया, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा, मेहनत इतनी होती थी। कई बार जब मैं 3-3 दिन बिना सोए बिना खाए काम करने के बाद जब वापस घर की तरफ निकलता था ड्राइव करने के लिए अपनी गाड़ी को, तो जो कई बार ऐसा होता था कि रोड भी 2 दिखाई देने लगती थी, क्योंकि मेरी आंखें ही स्थिर नहीं हो पाती थी, और थकान की वजह से प्यास लगती थी, बहुत भूख लगती थी। लेकिन मुझे पता था कि शायद इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैं अपने देश छोड़ के यहाँ आ गया हूँ सीखने के लिए, तो मुझे सीखना मेरा फ़र्ज़ है। ईश्वर के आशीर्वाद से, मेरी मेहनत से या माँ बापों के संस्कार से जो है आज मैं एक ऐसा समय आया कि जब मैंने न्यूरो सर्जिकल ट्रेनिंग कंप्लीट भी की, और जो मेरे कंसल्टेंट थे उन्होंने मुझे बधाई दी, एंड देन आई थॉट कि शायद मैंने जीवन में कुछ किया है। फिर मैं काफ़ी दिन तक वहीं काम करता रहा। 2017 तक मैं इंग्लैंड में रहा, और अमेरिका में भी 1 साल मैंने स्पेंड किया। अपना गामा नाइफ की ट्रेनिंग होती है, एक बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, उसके अंदर जो है हम लोग गामा नाइफ जो एक होता है संयंत्र से चलाना सीखते हैं, उसके माध्यम से सर्जरी करना सीखते हैं। तो 1 साल मैंने पिट्सबर्ग में स्पेंड किया, UPMC नाम से एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर के नाम से, वहाँ 1 साल में रहा। 1 साल में जो है मैंने गामा नाइफ की सारी जो ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करी, और ट्रेनिंग के बाद मैं फिर वापस UK आ गया, जो कि मेरा उस समय पेरेंट कंट्री हुआ करता था। और फिर मैं कई जगह मेरी पोस्टिंग रही, कोवेंट्री में मैंने काम किया, मैनचेस्टर में काम किया, लंदन में काम किया मैंने, फिर न्यूकासल अपॉन टाइन में काम किया, मिडिलसब्रा, लीड्स, बहुत सारी बेलफास्ट में काम किया मैंने, शेफील्ड में काम किया जहाँ से मैंने अपनी MD भी की है। तो बहुत अलग अलग संस्थानों में काम किया, साथ साथ कुछ और भी कंट्रीज़ में हमें मुझे जाने का अवसर मिला, कि जैसे मैं स्पेन में रहा, सांता मारिया हॉस्पिटल है स्पेन में बार्सिलोना में, तो मैंने वहाँ पे काम किया। फिर मैं जापान गया नगोया में, तो न्यूरोवैस्कुलर सर्जरी जो होती है, जो वेसल्स की सर्जरी होती है, मैंने वहाँ पे सीखी जाके। और मैंने 3 महीने में फिर कैरोलिंस का इंस्टीट्यूट है स्वीडन में, जहाँ पे नोबेल प्राइज़ जहाँ से मिलता है, तो वहाँ पे भी मैंने काम किया। वहाँ पे मैंने गामा नाइफ रेडिएशन रिन्यूअल सर्जरी का ही थोड़ा कोर्स वहाँ पे भी किया था। और 3 महीने मैंने इसराइल में स्पेंड किए अपनी लाइफ के, जहाँ पे मैंने एक वॉरफेयर इंजरीज जो होती हैं, जिसमें कि जो वॉर में जो है किस तरह के वुंड्स होते हैं, कैसे इसको ट्रीट किया जाता है। फिर 2017 में जो है मैं एक तरह से वापस आया यहाँ पे। और कई लोग पूछते हैं कि वापस आने का क्या कारण था, क्यों वापस आना चाहते हो आप यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि कई सारे तरीके होते हैं इस सवाल के, और एक अपने आप में एक गुड सवाल है। मुश्किल डिसीजन था, मैं मानता हूँ एक मुश्किल ये डिसीज़न था, क्योंकि कोई भी जगह आप रहते हो 16-17 साल 15 साल रह लेते हो तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। बच्चे वहाँ पैदा हुए हमारे दोनों के दोनों, प्लस जो है गाड़ी घोड़ा सब वहीं पर हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है एक तरह से वहाँ पर। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के जवाब देने से पहले मुझे ये सोचना होगा कि मेरे जीवन में मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं। कुछ लोगों को पैसा पसंद आता है, कुछ को पावर पसंद आती है, और कुछ लोगों को जो है और चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मैं समझता हूँ मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि वो मैं जो है मुझे एक स्वतंत्रता ज़्यादा पसंद है, और मैं जो है स्वतंत्र होकर एक जनसेवा में विश्वास रखता हूँ। तो जब मैं जितने दिन मैं अमेरिका रहा, इंग्लैंड रहा, तो भले ही मैंने वहाँ पे बहुत पैसा भी कमाया और बहुत अच्छे मैंने पदों पे भी मैं रहा, सम्मान भी मिला, लेकिन मुझे हमेशा ये लगा कि कुछ नकलीपना कहीं ना कहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं अपने देश में ना रह के मिस कर रहा हूँ, जो छूट रही है पीछे। और मैं समझता हूँ वो एक सबसे बड़ी चीज़ थी, खालीपन था अंदर से, वो खालीपन कभी ना भर पाया। तो इतने दिन बाहर रहने के बावजूद भी मैं कभी भी किसी देश का ना हो सका। जब भी मैं हिंदुस्तान आता था मुझे लगता था कि मैं अपने वतन अपने देश वापस आ गया हूँ। तो ये सबसे बड़ी मूल भावना थी जो मुझे जिसके पीछे मैं चलते वापस आया। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत वापस आने में जो जिसने कार्य किया है वो मेरे पिताजी जो हैं वो हमेशा मुझसे कहा करते थे, और मेरे जो फादर इन लॉ हैं डॉक्टर BS तोमर साहब, वो भी हमेशा यही कहते थे मुझसे कि बेटा अगर सभी पढ़े लिखे लोग बाहर सेटल हो जाएंगे तो फिर देश की सेवा कौन करेगा। तो मुझे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी उनकी। तो 2017 में इन सब प्रेरणाओं के चलते और देश प्रेम के चलते मुझे लगा कि शायद ये एक सही समय है वापस आने का, तो मैं उस मैं हिंदुस्तान वापस आया। आपने विदेश में काम किया, उत्तराखंड में, दिल्ली में आपका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश आप रहे, फिर उत्तराखंड देवभूमि आप रहे, विदेश में काम किया, फिर आप जयपुर आए, और जयपुर आप आके आपने बिजनेस किया, बढ़िया से बिजनेस आपका जो चल रहा है, पैसा आपके पास है, पावर भी आपके पास है, फिर राजनीति में आने का मानस कैसे बना आपका? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा रितेश। मैं राजनीति में कभी आना नहीं चाहता था, क्योंकि आज मेरे पास इतना कुछ है करने के लिए, उस कार्य को पूर्णता देना मैं समझता हूँ मेरा सबसे पहला जो एक उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए। उसी कार्य में एक कार्य जनसेवा है, मैं CSR एक्टिविटीज़ जो है NIMS की मैं देखता हूँ पूरी, और मुझे जो है आज जो एक सबसे बड़ी संतुष्टि मिलती है मानव सेवा करके मिलती है। आज
जब मैंने जो है जनसेवा करनी स्टार्ट करी तो कई ऐसे अवसर आए बीच में जहाँ पर जो है जो एक जो लाल फीताशाही है या जो एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें मेरा हस्तक्षेप ना होने की वजह से बहुत सारी समाज सेवा मेरी छूट गई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार यहाँ पे एक पास में गांव है, मैंने देखा कि कूड़े कचरे की समस्या पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट में व्याप्त हो रही है, तो इसका समाधान ढूंढना हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का एक कर्तव्य बनता है। तो मैंने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए STP जिसे हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की मैंने कोशिश करी। एक कैनेडियन कंपनी है उससे बात की मैंने, कुछ मुझे CSR की फंडिंग वहाँ से मिली। उन्होंने जो काफ़ी महंगी मशीन थी प्लांट था उसको उन्होंने घटा के 60 लाख का कर दिया मेरे लिए। अब 60 लाख भी आसान छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। मेरे को उसको लाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी। तो मैंने जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है उसके डायरेक्टर मेरे फ्रेंड हैं, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आपको मैं फंडिंग दे सकता हूँ 31 मार्च से पहले पहले बशर्ते आप अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके मेरे यहाँ जमा करा दें। और 8 करोड़ की फंडिंग के लिए उन्होंने मुझे वादा किया मैं आपको दे दूंगा, जो कि तैयार भी कर ली उन्होंने। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए लेकिन दुर्भाग्यवश जो है 2 महीने लगातार भागने के बावजूद भी मुझे जो है उस ग्राम पंचायत की ज़मीन का NOC नहीं मिल पाया। और NOC ना मिलने की वजह से वो 60 लाख की फंडिंग क्या 8 करोड़ की फंडिंग मेरे हाथ से चले गई और मैं STP का प्लांट वहाँ नहीं लगा पाया। राजनीतिक द्वेष की वजह से ऐसा? ये नहीं, राजनीतिक द्वेष की नहीं वजह से नहीं हुआ ये जो है, क्योंकि मेरी राजनीति में पहुँची नहीं थी। आज कोई भी जो है एक जो ऑफिसर है वो राजनीतिक लोगों की बात सुनेगा। आज मैं किसी की राजनीतिक पद पर नहीं हूँ तो मेरी कोई बात नहीं सुनता, मैं किसी सरकारी पद पर नहीं हूँ तो सरकारी अफसर मेरी बात नहीं सुनता। तो मुझे ये एक बड़ा अफसोस हुआ कि सब कुछ इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ऐसे अवसर मेरे हाथ से छूटे जा रहे हैं। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हुए कि जहाँ पे मेरे को CSR की फंडिंग मिली लेकिन चूंकि गवर्नमेंट मेरे सब के जो मशीनरी थी मेरे सपोर्ट में नहीं आ पाई दुर्भाग्यवश उस समय। तो ये सब चलते हुए मैंने बात करी अपने फादर इन लॉ डॉक्टर तोमर से और अपने पिताजी से भी मैंने अपने दिल का जो दर्द साझा किया और उन्होंने यही कहा कि देखो राजनीति में जो है अच्छे बुरे सभी तरह के लोग जाते हैं, ये आपके अपनी मानसिकता पे आपके दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कार्य वहाँ करेंगे। अगर आप अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो राजनीति कोई गलत जगह नहीं है, आपको अच्छा जो है यहाँ से एक प्लेटफॉर्म एक मंच मिलेगा जो आपके कार्य को और बढ़ाएगा। तो मैं समझता हूँ मेरे जो आने के पीछे जो सबसे बड़ी मूल भावना यही है कि मेरे कार्य क्षेत्र को एक वृत्त रूप से विस्तार मिलेगा, एक नया मंच मिलेगा राजनीति में आने में। मैं ये सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना। आपने कहा कि जनसेवा के लिए आप राजनीति में आए हैं और आपको एक बड़ा मंच मिलेगा जिससे आप लोगों की सेवा कर सकेंगे, लेकिन आपके विरोधी ऐसा कहते हैं कि अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए और पावर हथियाने के लिए सिर्फ वो राजनीति में आना चाहते हैं, सिर्फ मेन मकसद इनका यही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? रितेश जी, ना तो पावर का कोई अंत है ना पैसे का कोई अंत है। बिल्कुल, अंत तो आपको अपनी आशाओं अपनी अभिलाषाओं पर लगाना पड़ता है, कहीं ना कहीं तो परिणाम लगाना ही पड़ेगा। देश का दुर्भाग्य है आज के कुछ लोग इस तरह की बात सोचते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक जो सच्चा देश प्रेमी है जो सच्चा एक सेवक है वो गांधी जी का अनुयायी बन के चले तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी खुद अपने को जो है प्रधानमंत्री ना कहकर प्रधान सेवक कहा, वो उसी तरीके से है जैसे कि जो गांधी जी ने जो एक जन सेवक की जो अवधारणा दी थी। मैं समझता हूँ अगर वो अवधारणा आपके आज दिल में है तो आपको ना तो किसी पावर की ज़रूरत है ना ही आपको किसी पैसे की ज़रूरत है। मैं हमेशा मानता हूँ रितेश जी की रोटी दो ही खानी है और उसके बाद जो है जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके लिए अतिरिक्त हैं। तो मैं नहीं, मुझे मेरे को ना किसी पावर की अभिलाषा है ना ही मुझे किसी पैसे की अभिलाषा, जन सेवा का मेरा मानस है उसको मैं ज़रूर हासिल करूँगा। सर, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि धनबल के जरिए कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो वो जनता की समस्याएं जो है जो गरीब व्यक्ति है उसकी तकलीफें उनको समझ नहीं पाता इसलिए वो काम नहीं कर पाता लोगों के लिए, इस बात को आपके साथ जोड़ा जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो बिल्कुल सही है लेकिन जो लोग मुझसे जोड़ रहे हैं शायद उनको ये बात जाननी पड़ेगी कि मैं बहुत छोटे परिवार से आया हूँ। एक कहावत है रितेश जी की, जाके पैर न पड़ी बीमाई सो का जाने पीर पर आई। तो आज जो आपके सामने पंकज सिंह बैठा है वो वह व्यक्ति है कि जिसने जीवन में हर तरह का उतार चढ़ाव देखा। बचपन में मैंने ऐसी गरीबी भी देखी है कि जहाँ मेरे को 2 वक्त की रोटियों की भी दिक्कत पड़ी। हम लोग जब छोटे थे तो पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा होता था कि जो है मेरे जो ये एल्बोज़ हैं मेरी एल्बोज़ कट के खून निकलने लगता था इससे, क्योंकि हम लोग इसको रखे पढ़ते थे। और ऐसा भी समय मेरे जीवन में आया कि जब हमें सरकारी ब्रेड आती थी घर में हमारे, उस पर भी हमें जो है कई बार अपना जीवन यापन करना पड़ा, उस पर भी हमें काम चलाना पड़ा। भूखे रह के कितनी रातें बिताई होंगी इसका आज वर्णन देना असंभव है शब्दों में। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं कि जहाँ पैसे वाला व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता उनका अपना एक दृष्टिकोण होगा, लेकिन ये तो मैं आपको आज आपके मंच के माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जो है कहीं से दूर दूर तक भी जो है बॉर्न विद गोल्डन स्पून नहीं रहा हूँ। पैसा जो है मेरी ज़िंदगी में कभी वरीयता पे रहा भी नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में रहे, दिल्ली में रहे, उत्तराखंड में रहे और विदेश में रहे, राजस्थान में अभी आप आए हैं, तो वहाँ की समस्याएं हैं जो जनता की समस्या उनको आप रूबरू समझते होंगे बिल्कुल, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रदेश में राजस्थान की समस्या हर समस्या क्षेत्र के हिसाब से बदलती रहती है, प्रदेश की समस्याएं क्या आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से?
किसी भी समस्या को समझने से पहले मैं समझता हूँ कि एक आपके अंदर देशभक्ति की मूल भावना होनी चाहिए। देश के अंदर कोई समस्या अलग नहीं है, चाहे वो झारखंड है, चाहे वो पंजाब है। सर कहीं पे पानी की दिक्कत है, कहीं पे पानी की दिक्कत ना होगी कोई दूसरी समस्या है, इस प्रकार सर हर क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं होती है, उस हिसाब से आपसे पूछना चाहता हूँ। आपका जवाब मैं इस तरह से देता हूँ कि एक बच्चा IAS बीट करता है, ठीक है, वो टॉप करता है, आप आज उसको सेक्रेटरी बनाते हैं पर्यावरण विभाग में, कल उसका ट्रांसफर अगर आप जो है किसी जो है जन कल्याण विभाग में कर देते हैं तो क्या वो वहाँ पे जाके काम नहीं कर पाएगा? ये एक आपका बेसिक IQ है। अगर आप अपने बेसिक IQ को कहीं भी इम्प्लीमेंट करते हैं, आप अपनी देश प्रेम को, अपनी देश जो है जनसेवा की भावनाओं को कहीं पे भी अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ कोई भी समस्या टैकल की जा सकती है। जहाँ तक बात हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि जो विकराल रूप धारण करके पिछले 75 साल से सामने खड़ी हैं, उन सब का जो है समाधान हम सब लोग मिलकर साथ मिलकर ही कर सकते हैं। कुछ समस्याएं जैसे गरीबी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो है बेरोजगारी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है और जल की समस्या है। ये 4-5 समस्याएं ऐसी हैं कि जिनको हमें मिलकर साथ में साधना होगा। देश के किसी भी हिस्से में चले जाओ आप, इंदौर में भी आज की डेट में जो कि सबसे क्लीन सिटी है, वहाँ पे भी गंदगी है, वहाँ पे भी जो है कहीं ना कहीं आपको कूड़ा कचरा मिल जाएगा। तो कूड़े की कचरे की समस्या पूरे देश के अंदर व्याप्त है। पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ना कहीं पानी की समस्या आज नहीं तो कल आएगी जरूर। तो आज ही हमें दिमाग में रखना होगा कि पानी की समस्या का समाधान कैसे यहाँ करेंगे और कैसे कहीं और करेंगे। गरीबी की समस्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक व्याप्त है। देखने वाले के लिए आँखें चाहिए, एक दृष्टिकोण चाहिए। अगर आज आपके दिल में चाहत है, अगर आपके दिल में गरीब मरीज के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए दिल में आपके प्रेम है तो आपको हर जगह वो समस्याएं दिखेंगी। अब डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं, हज़ारों लोग आपके क्षेत्र से आपसे जुड़े हुए हैं, फाउंडेशन के बारे में थोड़ा आप बताएं। फाउंडेशन 3 साल पहले मैंने इसकी जो है एक स्थापना की थी। मूल उद्देश्य यही था कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। जनता की सेवा करने के लिए जैसा मेरा मानना है रितेश जी, एक आपको सुनियोजित तरीके से चलना होता है। सिर्फ भाव महत्वपूर्ण नहीं होते, भाव के साथ साथ आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है, रणनीति का जो एक आपका जो एक इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका अदा करता है। मेरा ये मानना है कि आज की डेट में जो भी NGOs होते हैं, NGOs एक बहुत बड़ा अच्छा मंच और एक बहुत अच्छी साझेदारी सरकार के साथ में जो है प्रदान करते हैं इस तरह की समस्याओं के समाधान में। NGO मैंने बनाया और NGO बनाने के पीछे जो मेरा उद्देश्य भी यही था कि मैं किसी भी तरीके से सरकार के साथ मिलके या सरकार के साथ खड़े होके मैं कहीं ना कहीं अपनी जो है सामर्थ्य को लगा के इस समस्याओं का समाधान कर पाऊँ। इस NGO के माध्यम से हम कई क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य हमारे पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम लोग कैंप लगाते हैं। अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले 1 साल के अंदर लगभग 3.5 लाख पेशेंट्स हम लोगों ने जो है फ्री कैंप्स के माध्यम से देखे, और ये बहुत बड़ी संख्या अपने आप में है जो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लोगों के बीच में हमने जाके उनको टच किया। और एक तो हमने उनको जो है प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक स्वास्थ्य की अवधारणा भी उनको दी। अभी स्वास्थ्य की अवधारणा हिंदुस्तान में ये है कि जब बीमार पड़ो तो इलाज कराने जाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो है उपचार की जगह प्रिवेंशन की तरफ आए। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ थी जो हमने समाज में जाके सोसाइटी में पकड़ी, और अगर हम ना पकड़ते तो कई सारे मरीज जो हैं शायद आज की डेट में इस दुनिया में ना होते। तो ये स्वास्थ्य पे हम लोग काम करते हैं। दूसरा शिक्षा जो है, जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा हथियार है आज गरीबी और जो है बेरोजगारी से लड़ने का या किसी भी समाज को ऊपर उठाने का। सौभाग्यवश हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं NIMS के अंदर, मैंने भी जो अपनी शिक्षा ली है पूरे देश विदेश में उसके चलते मैं बच्चों को और महिलाओं को और पुरुषों को गाइड कर सकता हूँ सही दिशा में। तो उस दिशा में भी हम लोग काफ़ी कार्य कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि लिंग भेद बहुत है हिंदुस्तान में, और राजस्थान और हरियाणा ऐसे दो दुर्भाग्यशाली कई बार जो है प्रदेश बन जाते हैं जहाँ पे जो है लिंग का अनुपात बहुत बढ़ जाता है। तो मैं देखता हूँ कि भ्रूण हत्या, महिला भ्रूण हत्या, बच्ची भ्रूण हत्या और जो है अबोध बालिकाओं की हत्या अक्सर दुर्भाग्यवश मुझे दिखती रहती है कि बच्चियों को जहर देके मार देते हैं। छोटी छोटी 1 साल से भी बच्चियाँ, दिनों की बच्चियाँ होती हैं, उनको जो है गला दबा के मार देते हैं, उठा के नीचे फेंक देते हैं, पानी में डुबा के खोलते, पानी में डुबा के मार दिया जाता है। इस तरह की जब दर्दनाक चीज़ें मैं देखता हूँ रितेश जी, तो मेरे दिल जो है ना कई बार जो है मुँह को आ जाता है, हृदय मेरे मुँह को आ जाता है कि ये लोग इंसान है कि जानवर। फिर लेकिन किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए आपको उसके मूलभूत कारण की तरफ जाना पड़ता है। मैं देखता हूँ कि आज बच्ची जब घर में पैदा होती है तो कई बार उसको जो है एक लायबिलिटी की तरह एक जो है देख लिया जाता है कि शायद इसके पैदा होने के बाद हमें इसका दहेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें और करनी पड़ेंगी। तो उसके चलते हम लोगों ने NIMS के जो अपनी फाउंडेशन के माध्यम से कई तरह के जो हम कार्यक्रम जो हमारे चलते हैं उसमें एक कार्यक्रम हमारा
जो है जनवीन सुरक्षा योजना के तरह का कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग निम्स में पैदा होने वाले हर एक बच्चे की माता को 11,000 रुपये का चेक हम देते हैं, जो कि माँ के जो है भरण पोषण के लिए है, क्योंकि उसको शारीरिक दुर्बलता आ जाती है प्रसव के बाद, तो वो एक हम करते हैं। साथ साथ क्या है कि जो बच्चियाँ हैं उनको हम लोग प्रमोट करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, हम लोग जो भी बच्ची निम्स में पैदा होती है या आगे भी पैदा होगी उसको हम अपनी फाउंडेशन के माध्यम से न केवल 11,000 देंगे बल्कि पूर्ण जो उसकी शिक्षा है पूरे जीवन की, किसी भी कोर्स में अगर वो शिक्षा लेना चाहती तो हम उसको पूर्ण रूप से फ्री देंगे। मैं समझता हूँ एक छोटा सा योगदान समाज के उत्थान में है जिसको मैं अपनी फाउंडेशन के माध्यम से देना चाहता हूँ। कुछ और कार्यक्रम जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है कूड़े कचरे की समस्या जो है उसको भी हम लोग निस्तारण के लिए जो है STP प्लांट्स और कई तरह के ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो पर्यावरण के संरक्षण में भी हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, तो उसके लिए भी हम लोग काफ़ी जो है प्रयास करते रहते हैं, चाहे पेड़ लगाने का प्रयास हो, चाहे उसके अलावा और जो है जल संरक्षण के कार्यक्रम है वो भी हम लोग चलाते हैं। अभी रिसेंटली हमने जल है तो कल है करके एक कार्यक्रम चलाया जिसके अंदर जो जयपुर ग्रामीण के अंदर जल की समस्या बहुत एक विकराल रूप ले चुकी है, तो उसको हम उठाने के लिए, जल का स्तर उठाने के लिए मैं कई बड़ी कंपनीज के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा हूँ। एक कैनेडियन कंपनी है जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं हम जो है इस जयपुर ग्रामीण में जल का स्तर उठा सकते हैं। महिला सशक्तिकरण अपने आप में बहुत बड़ा एक जो है क्षेत्र है जिसमें हम लोग अपना योगदान देते हैं। कौशल विकास के थ्रू हम लोग महिलाओं को जो है 15,000 से 45,000 रुपये पर मंथ कमाने की क्षमता उनको देते हैं, और लगभग 178 महिलाएं अब तक ऐसी हैं जो जयपुर ग्रामीण में मैंने अपनी फाउंडेशन के माध्यम से जिनका सशक्तिकरण हमने किया है या कहीं उनको हम लोगों ने जो है कुछ धन अर्जित करने की क्षमता दी है। अब जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप टिकट की मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत नेता है जयपुर ग्रामीण में, तो आपको टिकट क्यों देगी भारतीय जनता पार्टी? सबसे पहली चीज़ तो लोकतंत्र की एक जो खूबसूरती है यह है कि मैं आपका दोस्त होने के बावजूद भी आपके विरोध में खड़ा हो सकता हूँ। ये मेरा एक अधिकार है, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं समझता हूँ कि पढ़ा लिखा एक नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र और सक्षम हूँ। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है कि आज मुझे लगता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उस कार्य को मैं राजनीति में आने के बाद इस अगर यदि इस लोकसभा में के माध्यम से मैं एक जो है सांसद बनता हूँ तो शायद एक बड़ा मंच मुझे मिलेगा, एक ऐसा मंच मुझे मिलेगा जिससे कि अपने समाज सेवा कार्यों को मैं ज़्यादा अच्छे रूप से मूर्त रूप दे पाऊँगा। तो ये चीज़ मेरी मूल भावना है और इसके चलते मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे टिकट मिले। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राठौड़ साहब यहाँ से सांसद हैं, आपके और उनके रिश्ते कैसे हैं इस बारे में आप बताएं। बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अक्सर बात होती है मेरी, और ख़ासतौर पे उनके कुछ बहुत क्लोज अलाइज़ हैं जिनसे मेरी बात होती है। कई सारे फ़ोन आते हैं मेरे पास स्पेशली पेशेंट्स के लिए या बच्चों से रिलेटेड कहीं पे आते हैं, और जहाँ भी संभव होता है मैं अपनी तरफ से मदद करता हूँ, जो भी मेरा योगदान होता है देता हूँ मैं। आज हमारे सांसद हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। कई चीज़ों में मैं उनसे सीखता भी हूँ, और एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते जो देश को उन्होंने गौरव दिलाया है मैं समझता हूँ उसके लिए मैं भी उनका एक सम्मान करता हूँ, और उस सम्मान के वो हमेशा ही हकदार रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ और अच्छा कर पाऊँ, इसलिए मैं टिकट की मांग करता हूँ। आपने कहा राठौड़ साहब से मैं बात करता हूँ तो भी बहुत सी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती हैं, लेकिन जयपुर ग्रामीण की जनता से फीडबैक मिलता है कि राठौड़ साहब से बात करना मतलब एक दूर की कौड़ी है, बात करना बहुत मुश्किल है। अगर एक आम नागरिक उनसे बात करना चाहता है तो उन तक पहुँच नहीं हो पाती, उनके जो PA हैं या उनका जो स्टाफ है वही उनको गोल करके और उनको बाहर कर देते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप फील्ड में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है इस बारे में आपको? अगर ऐसा है तो ये दुर्भाग्यशाली है, और दुर्भाग्यवश कई बार क्या होता है बीच में कई सारे ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो सीधा जन सेवक से जनता को नहीं मिलने देते। मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस हालांकि नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो मैं समझता हूँ इसमें सुधार की आवश्यकता है। आपको कितना टाइम हो चुका होगा यहाँ पे काम करते हैं, और कहाँ तक आप पहुँचे, कितने गाँव तक आप पहुँचे? मैं 3.5 साल मेरे को हो गए हैं जहाँ पे मैं बिट्स एंड पीसेस में काम कर रहा हूँ। 1442 गाँव हैं पूरे जयपुर ग्रामीण में, उसमें से अभी तक मैंने लगभग 552 गाँव में व्यक्तिगत रूप से जा चुका हूँ। 395 ग्राम पंचायत हैं इस समय, और लगभग 125 ग्राम पंचायतें मैं व्यक्तिगत रूप से अभी जा चुका हूँ। तो आप वहाँ पे जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठते हैं या फिर अपना एक अलग अपनी टीम खड़ी करने में आप लगे हैं? मैं डॉक्टर हूँ, और जहाँ डॉक्टर का जो पेशा होता है वो कभी भी जाति धर्म पार्टी और इन सबसे ऊपर होकर चलता है, तो मैं वरीयता हमेशा अपने जो है मेडिकल चिकित्सीय प्रोफेशन को देता हूँ। मेरी नज़र में कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति और कोई भी जो है धर्म या जाति इस मेरे प्रोफेशन से ऊपर नहीं है, तो मैं सबका बराबर सम्मान करता हूँ।
किसी भी तरह के लोग मेरे पास आते हैं, ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं, वंचित समाज के होते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, उनकी समस्या समझता हूँ। 100% समस्याओं का समाधान मैं नहीं कर पाता, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि 100% बातों को सुनता जरूर हूँ, और वो बात सुनने में ही काफ़ी लोगों को शायद मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ संतुष्टि मैं कहीं ना कहीं प्रदान कर देता हूँ। आप ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से आप जुड़ रहे हैं और लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सांसद साहब हैं वर्तमान में, उनकी आंखों में वो लोग खटकने लगना शुरू हो जाते हैं जो उनके खिलाफ आके आपसे जुड़ रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो लोगों ने तो आपसे उम्मीद लगा ली है, तो आप क्या करेंगे? क्या बागी होकर चुनाव लड़ेंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं रितेश जी, जिसको हमें समय पर छोड़ देना होता है, तो ये समय बताएगा कि क्या समीकरण उस समय बनते हैं। लेकिन अभी तो मैं जब जनसेवा का जो मैं एक मानस लेके चला हूँ, उसमें मुझे कहीं से कोई कमी नज़र नहीं आ रही। तो क्या आप पूर्ण रूप से ये मान के चले हम कि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप भारतीय जनता पार्टी से या बागी होकर या किसी और पार्टी से आप चुनाव जरूर लड़ेंगे, माना जाए? चुनाव लड़ने का तो मैंने मानस बना लिया है, और जीवन में शायद ही ऐसी कोई चीज़ होगी जो मैंने सोची और करी ना हो। ईश्वर का आशीर्वाद, बालाजी की कृपा मेरे पास हमेशा बनी रही है, तो मैं करूँगा जरूर। माध्यम क्या बनता है ये समय बताएगा। वर्तमान में पूरे देश में मोदी सरकार दूसरी बार चुनाव जीत के आई है, अपने राजस्थान से 25 सीटें पहले भी जीती थी, इस बार 25 सीटें निकाली हैं। इस बार क्या लगता है आपको, क्या आपके सांसद भी दूसरी बार चुनाव जीत रहे हैं, आपके क्षेत्र में और पूरे प्रदेश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या 25 सीटें वापस से निकलेगी? माननीय मोदी जी जो हैं, मैं एक छोटा सा फ़ैन हूँ उनका, लाखों करोड़ों अरबों फ़ैन में से एक लीडर हैं, नेशन लीडर हैं, एक इंटरनेशनल आइकन हैं। मिले हैं कभी उनसे? मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से रूबरू कभी नहीं हो पाया आज तक, लेकिन दूर से मैंने देखा है। मैं जितनी जनसभाएं उनकी होती है, संभव होती है, मैं जरूर जाता हूं उसमें, और मन की बात जो उनका एक चैनल है उसको भी मैंने सब्सक्राइब किया है, मैं उनको हर बार देखता हूं। जितने भी उनके मैंने ब्लॉग्स हैं, जितने भी मैंने उनके चैनल्स हैं, उसमें मैं उनकी बात को समझने की कोशिश करता हूं, तो शायद कुछ परसेंट उनका मुझे समझ में आना शुरू हुआ है। तो आज एक ऐसा लीडर देश को मिला कि जिसने हिंदुस्तान, जिसको कहा जाता था कि गरीबों का देश है, मैं बाहर रहता था, जिस समय मोदी जी पावर में आए 2012 की बात है, मैं आपको याद बताता हूँ अपनी याददाश्त से कि उस दिन की बात है जिस दिन मैं अपने थिएटर में स्क्रप्ट था, एक पेशेंट को ऑपरेट हम लोग कर रहे थे, कई सारे इंडियंस थिएटर में थे हमारे वहाँ पे, आपको मालूम है कि जो हिंदुस्तानी जो है बैकबोन बनाते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ की, तो हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत इंडियंस हैं। तो अचानक से मिठाइयाँ बटने लगी, जब मिठाइयाँ बटी तो मेरे को पता चला क्या हुआ, तो मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, ये चीज़ मुझे पता चली। मैं इंग्लैंड में था उस समय, मिठाइयाँ बटी उस समय, तो न्यूकासल पाउंटाइन में एक जगह है वहाँ पे मैं थिएटर में उस समय था। बाहर निकल के मैं पूछा मैंने अपने कंसल्टेंट से कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि देर इज़ अ मोदी, ही हैज़ बिकम योर प्राइम मिनिस्टर, दैट्स वाई यू गाइज आर सेलिब्रेटिंग इट एंड देयर आर सम स्वीट्स बीन यू नो ब्रॉट। तो मैंने कहा कि मुझे पता था मोदी जी के बारे में, मैंने भी गया, मैंने मिठाई खाई, तब तक मुझे जो है एक उनके चमत्कार का एहसास नहीं था। जब तक आप कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं लेते, तब तक आप जो है उसमें शायद उतना आत्मसात नहीं हो पाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो मैंने जो है जब उस वक्त मिठाई तो मैंने भी खाई, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन ये चीज़ मुझे क्लियर थी कि जो हिंदुस्तान है आज, बाहर उसकी जो छवि थी गरीब व्यक्तियों की छवि बनी हुई थी, और जो एक वंचित समाज की छवि थी, जो भ्रष्टाचारी लोगों की छवि थी, और जो है ऐसी छवि थी कि जिस देश का विकास नहीं हो सकता। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी नागरिकों को एक जैसा ट्रीट करते थे, और वहाँ पर उनको जाने के लिए वीज़ा तक नहीं मिलता था। आज मोदी सरकार को 9 साल हो गए, और कहते हैं दोस्तों हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, आज इस चीज़ का जो एहसास है मैं नहीं पूरी दुनिया कर रही है। अगर मैं इस चीज़ का मैं जो है इस चीज़ से आत्मसात हूँ, मैं इससे उत्तेजित हूँ, एक्साइटेड हूँ, तो मैं अकेला नहीं हूँ, ये अरबों लोगों की भावना है। तो मोदी जी ने आज हमारे देश को उस जगह पहुँचा दिया जहाँ मेरी कल्पना से बाहर की चीज़ है। तो आज उन्होंने जो है लाखों करोड़ों अरबों लोगों को उन्होंने जो है लीड किया। आज हिंदुस्तान की एक छवि ऐसी बन गई कि जिस देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री तक को जाने के लिए वीज़ा नहीं मिला, वहाँ का प्रधानमंत्री हमें लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर स्ट्रिप पे आता है, तो क्या अपने आप में ये बड़ा अचीवमेंट नहीं है? तो आज मैं अगर मोदी जी का फ़ैन हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरा एक जो है ये एक नेचुरल, एक स्वाभाविक चीज़ है, तो मैं ज़रूर उनके नेतृत्व में काम करना चाहूँगा। इतना अच्छा लीडर हमें मिला है, अगर मुझे कहीं से कहीं आशीर्वाद उनका मिलता है तो मैं समझता हूँ कि मेरा जीवन सफल होगा। अपने मोदी जी की कई अचीवमेंट्स हमें बताए, और आपने बताया कि विदेश में भी भारत की जो पहले छवि थी वो छवि अब बदल चुकी है, लेकिन यहाँ पे प्रदेश अपने पूरे देश में आरोप लगता है जो विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अक्सर कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, लोगों को लड़ाते हैं धर्म के नाम पर, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एकदम गलत आरोप है। बहुत सारी कंट्रीज़ में मैं रहा हूँ, आज हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान एक अपने आप में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और अमन सुकून चैन से रहते हैं। छुटपुट घटनाएं कहीं भी घटती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उससे हमारे देश का एक जो है नज़रिया बदल जाता है।
अगर आप बात करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं, जैसे कि बात करते हैं इंडोनेशिया, इंडोनेशिया अपने आप में पूर्ण रूप से मुस्लिम कंट्री है। ईरान, इराक चले जाते हैं, या बहुत सारे और भी कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो 100% तुर्की है, सीरिया है, जिसमें 100% मुस्लिम रहते हैं। आज अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर हम इसकी तुलना करते हैं कि जो मुसलमान आज इंडोनेशिया में रह रहा है, क्या वो खुश है या हिंदुस्तान का मुसलमान ज़्यादा खुश है, तो दोस्तों मैं इस चीज़ को आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ कि आप जाके देखिए कि किस तरह के जो है घुटन भरे वातावरण में बाहर का मुसलमान ज़िंदगी जीता है, सांस लेने के लिए तरस जाता है बाहर का मुसलमान। आज यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान को किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नंबर वन। नंबर टू जो है, आज हिंदुस्तान के अंदर हज मिनिस्ट्री है। हज की मिनिस्ट्री जो है एक इतनी खूबसूरत मिनिस्ट्री है कि जहाँ पे जो है जिस भी व्यक्ति को हज जाना होता है उसके लिए सब्सिडीज इंडियन गवर्नमेंट देती है। जब से मोदी सरकार आई है, ठीक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो सब्सिडी वो पहले से बढ़ गई है। अगर मोदी जी मुसलमान के खिलाफ होते, मुसलमानों के खिलाफ होते, तो क्या वो सब्सिडी बढ़ती? बड़े बड़े कंट्रीज जिनके पास साधन हमसे ज़्यादा है, इंडोनेशिया से लेके और पाकिस्तान तक, क्या उनके पास कोई हज की मिनिस्ट्री है? मुझे इस सवाल का जवाब लेके आइए, फिर मैं बताऊंगा कि मुसलमान के विरुद्ध हैं मोदी जी या मुसलमानों के साथ हैं। मैं समझता हूँ जो हिंदू, एक हिंदू के साथ होने की जो उनकी छवि है, वो छवि अपने आप में जो है एक ये अवधारणा लोगों ने बना ली है। दूसरी चीज़, आज हिंदू होने पे मुझे गर्व है, तो मैं समझता हूँ मोदी जी को भी गर्व होगा, और वो हर एक व्यक्ति जो हिंदू परिवार में जन्म हुआ है उसको हिंदू होने पे गर्व होना चाहिए। लेकिन साथ साथ अगर कोई व्यक्ति मुसलमान परिवार में जन्म हुआ है तो उसको अपने मुसलमान होने पे भी उतना ही गर्व होना चाहिए। ये हिंदुस्तान की संस्कृति की सबसे खूबसूरत पहचान है कि अलग अलग धर्म समुदाय और जाति के लोग यहाँ साथ साथ रहते हैं और खुले वातावरण में सब लोग साथ में विकास करते हैं। तो मोदी जी का ये जो एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, मैं समझता हूँ इसके अंदर ना तो हिंदू ना मुसलमान किसी को विशेष वरीयता नहीं है, सब साथ मिलकर साथ का सबका विकास साथ साथ हो रहा है। अशोक गहलोत साहब ने भी राइट टू हेल्थ बिल पेश किया, जिसका प्रदेश में सिर्फ डॉक्टर्स ने विरोध किया, जनता ने विरोध नहीं किया। तो आप डॉक्टर भी हैं और एक आम नागरिक के नाते दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ, RTH को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि RTH एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि RTH के चलते कई सारे गरीब मरीजों को वो मूलभूत सेवा मिल पाएंगी, जिसके चलते शायद वो मरीज अस्पताल जाने के बाद भी ना बच पाता। मेडिकल प्रोफेशन जो है उसका एक जो दृष्टिकोण है वो पैसे से अलग हटके होना चाहिए। आप चिकित्सक की सेवाओं को पैसे से नहीं तोल सकते। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि चिकित्सक को भी पैसा कमाना है, क्योंकि उसके घर में परिवार में बच्चे हैं, उसके पास भी बहुत सारी जो है लाइबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन ये सेवाएं जो हैं आपकी, उनका जो है फलस्वरूप जो है पैसा नहीं होना चाहिए। आपको सेवाएं देनी है, पैसा अपने आप आएगा। दुर्भाग्यवश कई सारे मेरे डॉक्टर मित्र जो हैं वो इस जो है RTH को ये समझ बैठे कि शायद इससे उनकी जो है सेवाएं खत्म हो जाएंगी या फिर उनका पैसा खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर पैसा थोड़ा कम भी होता है तो उसमें नुकसान क्या है? आज देश की सेवा में कहीं ना कहीं तो हमें योगदान देना होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जो है देश प्रेम या देशभक्ति सिर्फ सीमाओं पे गोली खाने से नहीं होती। आप जिस पोजीशन में जहां भी बैठे हैं उस पोजीशन में अपना कार्य सुचारू रूप से करें, और देश प्रेम की भावना अगर मन में रखते हैं तो ये आपकी देशभक्ति है। आज RTH के माध्यम से मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सक हैं, उस कौम को कहीं ना कहीं देश सेवा करने का एक मौका मिला था। अगर उस मौके को हम गंवाते हैं तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे देश प्रेम में कमी है। जितने दिन RTH का विरोध किया डॉक्टरों ने, मैंने उसका कभी विरोध नहीं किया, और हम लोगों ने निम्स में मैंने प्रतिदिन मरीज देखे, और निम्स एक ऐसा अस्पताल था राजस्थान के अंदर जिसमें एक भी दिन हम लोगों ने हड़ताल नहीं करी। क्यों? ऐसा नहीं कि हड़ताल हम कर नहीं सकते, लेकिन डॉक्टरी सेवाएं जो होती हैं वो हड़ताल से बाहर हैं। आज ये सेवाएं जो हैं एक मानव को बचाने की सेवा है, इस सेवा को हड़ताल से मैं बाहर रखता हूं। तो मैं अपने जमीर को गवाह नहीं कर पाया कि मैं हड़ताल करूं, तो हमने एक भी दिन हड़ताल नहीं करी। और मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा जो भी इस पॉलिसी के मेकर्स हैं कि शायद इससे देश की, समाज की, और वंचित समाज की और गरीब मरीज की बहुत बड़ी सेवा होगी, तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। हाँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन तरीके से होना चाहिए, कोई भी चीज़ योजनाबद्ध तरीके से होनी चाहिए, और जो भी स्टेक होल्डर्स उसके हैं उनको हमेशा आपको साथ लेके चलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं खामी रह गई इम्प्लीमेंटेशन में, जिसको अगर दूर किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये बिल अपने आप में गरीब मरीज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। सर, आप निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, News 24/7 के ऑनर हैं, या कहें CEO ओनर जो भी हैं, और न्यूरोसर्जन हैं, तो आप कहें कि डॉक्टर आप हैं और टोटली बिजनेसमैन आप हैं, अब आप राजनीति में हैं तो एक राजनेता भी आप हैं, अगर आप सांसद बनते हैं तो इन तीनों चीज़ों को साथ चला पाएंगे एक सुव्यवस्थित तरीके से? एक इंग्लिश की कहावत है रितेश कि अ बिजी मैन हैज़ ऑलवेज टाइम। तो जो व्यक्ति जितना व्यस्त होता है वो उतने ही ज़्यादा समय अपने प्रोफेशन या बाकी चीज़ों के लिए निकाल पाता है। तो मैं जितना व्यस्त होऊंगा, मैं समझता हूँ कि मैं उतना ही ज़्यादा सीखूंगा और उतना ही कार्य सुचारू रूप से कर पाऊंगा।
कोई भी काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है सिस्टम होती है। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं निम्स की, निम्स एक संस्थान है जो बड़ा संस्थान है, लेकिन ये अगर हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट से अगर कंपेयर करते हैं या इसको एप्पल से कंपेयर करते हैं तो उसके सामने काफ़ी छोटा भी है। आज माइक्रोसॉफ्ट है या टाटा है या एप्पल है, इन संस्थान के पास हज़ारों हज़ार ऑफिस हैं, लाखों एम्प्लॉयज़ हैं। वो एम्प्लॉयज़ सबके सब काम करते हैं, सारा सिस्टम क्लॉकवर्क की तरह चलता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने सिस्टम बनाए। तो मेरा भी उद्देश्य यही है कि मैं निम्स के अंदर सिस्टम बनाऊं और निम्स जैसे कम से कम नहीं तो 10 और बड़े बड़े संस्थान खड़ा करूं, और साथ साथ मैं समाज सेवा का कार्य भी करूं, अपने परिवार को भी देखूं, अपने देश सेवा भी करूं, और साथ में अपना अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इलेक्शन भी लड़ूं। अशोक गहलोत साहब का 4.5 साल का जो कार्यकाल हुआ है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, जिसमें बिजली उन्होंने 100 यूनिट तक फ्री की, सिलेंडर 500 रूम देने का उन्होंने दावा किया, और महिलाओं को मुफ्त मोबाइल, ऐसी कई योजनाएं उन्होंने वो लेके आए जनता के लिए। साथ ही उनके खुद के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक भी हो रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 4.5 साल का जो कार्यकाल है उसको किस तरह से आप देखते हैं? भ्रष्टाचार कहीं भी है तो गलत है। आपको क्या लगता, हुआ नहीं हुआ भ्रष्टाचार? मैं बहुत इसको मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से मैंने इसको महसूस नहीं किया, क्योंकि मैं ना तो मैंने कोई पेपर दिया और ना ही मैंने कोई ऐसी योजना में कभी जो है पार्टिसिपेट किया, तो मैं नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में सभी जगह भ्रष्टाचार है, तो मैं समझता हूँ कोई भी गवर्नमेंट है उसमें अगर उसके जो शीर्ष नेता हैं, जो शीर्ष लीडर हैं, शायद वो भ्रष्ट ना भी हों तो नीचे लेवल पर भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं होगा ज़रूर। जहाँ तक बात है कि गहलोत सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल की और इसमें जो फ्री बिजली, फ्री जो है चीज़ें देने की, मैं इस चीज़ से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आज जो है हिंदुस्तान अपने आप में एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। हम सबसे बड़ी जो है जनसंख्या हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, चाइना से भी ज़्यादा हम चले गए हैं, और 75 साल आज आज़ादी के हो गए हैं। जहाँ तक बात है कि जो फ्री में सुविधाएँ देने की बात है कि फ्री में बिजली, फ्री में पानी, ऐसी सब चीज़ें देना, तो मैं इन सब चीज़ों से रितेश जी बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा व्यक्तिगत जो एक दृष्टिकोण है थोड़ा अलग है। अगर आप इस तरह से देखें कि आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल में कम से कम 3 पीढ़ियाँ निकल गई। जो बच्चा 15 अगस्त 1947 के दिन पैदा हुआ आज वो कम से कम दादा बन चुका होगा। आज कहाँ अंग्रेज़ खड़े हैं, कहाँ जो है मुगल खड़े हैं, और कहाँ पाकिस्तान और कहाँ ISI खड़ी है। कहाँ कमी मानते हैं आप, कमी कहाँ रह गई? कमी जो है वो कमी है हमारी, मैं समझता हूँ कि एक देश प्रेम की भावना हमारे अंदर जो है उस भावना को कभी भी मूर्त रूप नहीं दे पाते। हमारा देश प्रेम कई बार सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा के ही खत्म हो जाता है। हम हिंदुस्तान की टीम को जिताने पे देश प्रेम व्यक्त जरूर करते हैं, लेकिन जहाँ पे एक गरीब और वंचित समाज का आदमी हारता है वहाँ पे हम उसके साथ नहीं खड़े हो पाते। मैं समझता हूँ सच्चा देश प्रेम वो है जबकि जहाँ पे हम समाज के हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं सशक्तिकरण दें। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ कि आज हमने 75 साल के अंदर इस तरह से रेवड़ियाँ बांटी हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी गवर्नमेंट शायद नहीं रही हो, अगर आज 9-10 साल मोदी जी के कार्यकाल को छोड़ देते हैं तो उसके पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो है फ्री में चीज़ें बांटी गई। मैं समझता हूँ किसी समाज के विकास के लिए फ्री देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका सशक्तिकरण है, उसमें रोजगार के अवसर देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति को आप फ्री दे के फ्री खाने की आदत डाल देते हैं तो फिर वो व्यक्ति समाज का एक उतना उत्पादक अंग नहीं रह जाता। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि समाज में सशक्तिकरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये फ्री बीज हैं इसको मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता। आपने कहा फ्री बीज को मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता, लेकिन नेताओं के लिए वो 100 यूनिट, उनके लिए 100 यूनिट, जनता के लिए 100 यूनिट है, उनके लिए कोई दायरा भी नहीं होगा शायद, उनके लिए अलग से भत्ते हैं, उनको जितनी मुफ्त सुविधाएँ मिलती हैं तो जनता को तो उससे बहुत कम मिल पा रही है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? फिर नेताओं को भी बंद होना चाहिए सब कुछ? मैं मानता हूँ कि नेता जनसेवक का एक रूप है, और एक मूलभूत सुविधा से ज़्यादा किसी को आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ अभी मैं नेता बना नहीं हूँ तो मैं एक जो है सामान्य व्यक्ति की तरह बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरी बातें कई लोगों को उतने करंट पीरियड ना भी लगें, लेकिन मैं मानता हूँ रितेश जी की जो जनसेवक है उसको हमेशा दे शुड लीड बाय एग्जांपल। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा देश का विकास हो तो बहुत सारी चीज़ें मुझे अपनी छोड़नी होंगी जो कि मैंने छोड़ी भी। तो वो बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है आपका कि देश के लिए आपका अपना त्याग, अपना बलिदान, एक गांधी जी जैसे कि व्यक्ति की तरह हमें आगे बढ़ना। किसी भी क्रांतिकारी ने आज अपना घर, अपनी तिजोरियाँ नहीं भरी। अगर वो अपनी तिजोरी भरने में लग जाता तो आज शायद कभी देश आज़ाद ना हो पाता। तो आज भी देश गुलाम है, बहुत सारी चीज़ों का गुलाम है। देश बेरोजगारी का गुलाम है, देश जो है गरीबी का गुलाम है, देश जो है चिकित्सा सुविधाओं के अभाव का गुलाम है, देश जो है महिलाओं पर शोषण जुल्मों का गुलाम है। ये सब गुलामियाँ
तब खत्म होगी जब हम आज अपनी तिजोरियां भरना बंद करेंगे और अपना पूर्ण समर्पण भाव से देश की सेवा में लगेंगे। वर्तमान की अपन बात करें प्रदेश में और पूरे देश में, कांग्रेस और भाजपा दो बड़ी पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं भाजपा के हैं कांग्रेस के। चाहे कांग्रेस कितनी भी अच्छी योजना लेके आए, भाजपा वाले उसका विरोध करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, और भाजपा वाले भी कुछ ऐसा ही करते हैं, कांग्रेस दोनों ऐसा करते हैं। आपसे मैंने RTS के बारे में पूछा, आपने उसके बारे में बताया कि वो अच्छी योजना है, अच्छा बिल है वो। इसके अलावा फ्रीबीज का आपने जरूर उसके बारे में थोड़ा बताया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद अगर भाजपा से आपको टिकट ना मिले, क्या कांग्रेस के साथ आप हो सकते हैं 2024 में? मैंने कहा रितेश जी कि कई सारे सवाल ऐसे हैं कि जिसका जवाब समय पे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि देश प्रेम जो है और देशभक्ति की जो मेरी भावना है वो किसी भी पार्टी या धर्म या किसी भी समुदाय से ऊपर है। मैं और इस भावना को कभी भी मैं नीचा नहीं देखने दूंगा, चाहे मैं कहीं भी किसी भी स्थिति में रहूँ। आप 2024 में आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले 2023 में चुनाव, विधानसभा चुनाव, वो क्या, उस बारे में क्या राय है आपकी? बहुत महत्वपूर्ण एक जो है निर्णायक मोड़ होगा। कौन सी पार्टी लीड में रहेगी ये कहना तो बड़ा मुश्किल है इस समय, क्योंकि सभी पार्टियां अपना अपना जो है कयास लगा रही हैं, सभी अपने अपनी जो है ताकतें लगा रही हैं। लेकिन भाजपा वाले तो सर ऐसा कहते हैं कि हमारी पार्टी जीतेगी, और कांग्रेस वाले भी ऐसा कहते हैं, आप दोनों पार्टियों को न्यूट्रल रख रहे हैं, इसकी वजह क्या है? मैं समझता हूँ अगर मोदी जी के जो विकास जो एक उनके कार्यक्रम है उनको मद्देनजर रखा जाए तो भाजपा का पलड़ा इसमें मुझे भारी नज़र आता है, क्योंकि भाजपा की जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक सोच है, जो विचार परिवार है उनका, वो देशभक्ति से मुझे परिपूर्ण लगता है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, मैं कांग्रेस से कभी मेरा बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं रहा, तो उसके बारे में टिप्पणी करना मेरे लिए इस वक्त मुश्किल होगा। आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं 2023 में, कांग्रेस और भाजपा दोनों में सबसे बेहतर चेहरा कौन, किसे मानते हैं आप? जो व्यक्ति अपने को एक सच्चा जनसेवक के रूप में लेके आए, मैं समझता हूँ उसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। किसी का नाम लेना चाहें? नाम बड़ा मुश्किल होगा मेरे लेना, राजनेता के तौर पर नाम लेना मुश्किल है, एक आम नागरिक के नाते अगर लेना चाहें तो? आम नागरिक के तौर पे भी लेना मुश्किल है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बारे में आम नागरिक तो शायद बिल्कुल ही नहीं जानता। सर पसंद जाहिर करना तो लाजमी है, जो व्यक्ति देश प्रेम से परिपूर्ण है और जिसको जो है पार्टी के शीर्ष जो नेतृत्व इस योग्य मानता है, मैं समझता हूँ उसको आगे बढ़ना चाहिए। राजेंद्र राठौड़ साहब ठीक हैं? सभी लोग ठीक हैं, वो मेरे अग्रणी हैं, मेरे जो है मेरे सम्मानित हैं, मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, तो हर चीज़ में परिपूर्ण है। लेकिन नाम नहीं लेना चाहेंगे? नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि इस वक्त मैं उस अवस्था में नहीं हूँ। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कोई संदेश आपने कार्यकर्ताओं को, जयपुर ग्रामीण की जनता को देना चाहें तो? संदेश एकमात्र ये है कि जो आज जयपुर ग्रामीण है, जयपुर ग्रामीण अपने आप में पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है, एक छोटा सा हिंदुस्तान है ये अपने आप में, बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं और बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। जहां भी मैं गया, जो भी लोग मुझे मिले, वंचित समाज के लोग जरूर थे लेकिन दिल में उनके प्यार था, और दिल में जो उनका प्यार था वो प्यार मैं समझता हूँ दो चीज़ लेके आता है, एक तो एक खुशी लेके आता है कि लोग मुझे प्यार करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ मुझे जो लगी कि एक जिम्मेदारी का एहसास मुझे दिला के गया वो। तो आज इस मंच के माध्यम से, इस आपके चैनल के माध्यम से, मैं जयपुर ग्रामीण की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि आपका भाई, आपका बेटा और आपका जो दोस्त है, वो कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा आपकी सेवा के लिए, क्योंकि ये सेवा का भाव ही है जो मुझे सात समुंदर पार से खींच कर आप तक लेके आया है। तो जैसा कि हमने डॉक्टर पंकज सिंह जी से बात की, ये अभी भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, तो ये अभी भी जीव सेवा में लगे हुए हैं, मानव सेवा में ये लगे हुए हैं, बिजनेसमैन हैं और वर्तमान में अभी ये राजनेता भी बन चुके हैं, और 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में पूरा मूड बना चुके हैं, और वर्तमान में दावा भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं। लेकिन इनका ये भी कहना है कि अभी ये लोग कहते हैं ना कि मैं बागियों के चुनाव नहीं लड़ूंगा या कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ूंगा, दोनों बातों पे इन्होंने पत्ते खोले नहीं, देखते हैं 2024 में क्या होता है। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, 2024 में देखते हैं क्या कुछ होता है, टिकट मिलती है, चुनाव जीतते हैं नहीं जीतते, सब कुछ हमारी नज़र में रहेगा। बहुत अच्छा लगा सर बात करके, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।